प्यारे बच्चों, हमने पिछले पार्ट में पहले पार्ट में हबीबुर रहमान सिद्दीकी का एक खत का मुतालिया किया। आइए अब हम उनके दूसरे खत का मुतालिया करते हैं। ये जो है शंबा को लिखा गया खत, यानी शनिचर के दिन, शंबा कहते हैं फारसी में शनिचर को, 24 अप्रैल 1965 को लिखा गया है। इसमें उन्होंने अपने बेटे को कुछ नसीहतें की है। वो कहते हैं कि तारीख इस्लाम जो है, जिसके जिसको सैयद अमीर अली की एक किताब है, हिस्ट्री ऑफ द सैरसेंस, एक बेहतरीन किताब है उनका कहना है, और ये बहुत ही इसमें बहुत मुतवाजन और मजबूत तारीख बयान की गई है। ये किसी गिरोह का कोई प्रोपेगंडा नहीं है, यानी इसमें किसी की तशहीर या किसी की तबलीग नहीं की गई है। उसके बाद वो डॉक्टर ब्राउन की किताब का जिक्र कर रहे हैं कि तारीख अदीबात, जिसके राइटर जो है, जिसके मुसन्निफ जो है डॉक्टर ब्राउन साहब है, उसका उन्होंने जिक्र किया है कि भाई ये मुकम्मल 4 जिल्दे है और अंग्रेजी में, इसका उर्दू तर्जुमा कुछ इतना खास नहीं है, तो आप इसको अंग्रेजी में ही पढ़े। उसके बाद उन्होंने डॉक्टर नजीर अहमद की उम्मतुल उम्मा पढ़ने का भी उन्हें मशवरा दिया है कि आप उसे भी पढ़ो। मगर इसको शुरू करने पहले से पहले बोले, उन्होंने एक नसीहत भी की है कि एक बात अच्छी तरह से अपने जहन नशीन कर लेना, ये एक बात अच्छी तरीके से समझ लेना कि नजीर अहमद साहब जो थे वो एक पक्के और दीनदार मुसलमान थे, है ना, और मुसलमान पक्के दीनदार मुसलमान होने के साथ साथ दहली की जो मौलवियाना हकीकत पसंद किरदार निगार या नाविल निगार भी या नाविल नबीज भी वो थे। ये किताब नूरानी, इसको पढ़ो और नूरानी सलमा को पढ़वाई। मैंने जो किताब जो थी नजीर अहमद की, नूरानी सलमा, उनकी एक लड़की सलमा, जो उनकी एक लड़की है, और सलमा कहते हैं तुम पर सलामती हो, और ये मोनस के लिए इस्तेमाल किया जाता है सलमा, है ना, उसका उन्होंने उनको कहा कि मैंने उनकी यानी अपनी बेटी को भी ये किताब पढ़वाई। वो बिचारी पढ़ने के बाद बिल्कुल हैरत ज़दा रह गई और बहुत ही गुमसुम हो गई। तुमने जो लिखा हिजरत के बाद 40 साल के अंदर ही अंदर, देखो यानी किस तरीके से हम जिसको ग्रामेटिकल मिस्टेक कहेंगे, है ना, हम कहते अंदर ही नहीं आना चाहिए बोले, है ना, अंदर अंदर या अंदर, इस तरीके से आपने इस्तेमाल करना चाहिए, है ना। हिजरत के 40 साल के अंदर क्या क्या फितने खड़े हो गए थे इस्लामी तारीख के हर अकीदत मंद मुसलमान को, ये शुबहात यानी कि शक पैदा हो जाता है, उन्होंने ये कहा है। मजाल मरहूम, मजाल जो है शायर अलीगढ़ के, जिन्होंने तराना है अलीगढ़ लिखा, ये मेरा चमन मैं अपने चमन का बुलबुल हूँ, ये बहुत ही एक जिसको हम कहेंगे फेमस या बहुत ही मशहूर जो तराना अलीगढ़ है, जो यूनिवर्सिटी में आज भी पढ़ाया जाता, ये मजाज लखनवी जो है उन्होंने लिखा था के, और उनको उन्होंने एक यहाँ पर शेर का मिसरा दिया कि अहले साफ अहले सैफ उठते रहे अहले किताब आते रहे, है ना। अल्फ खैर, ये अल्फ कहते हैं आखिर तक, और खैर आप यहाँ पर कह रहे हो कि ये तो एक शायराने तखय्युल है, एक ये शायर का ख्याल है। माकूल जवाब देने की कोशिश इब्ने खल्दून ने मुकदमा तारीख और मार्क्स ने मादी जदलियात में की है। खुदा तौफीक दे तो ये पूरा निसाब पढ़ो, अपने बेटे को नसीहत कह रहे हैं कि अगर अल्लाह ने आपको तौफीक दिया तो पूरा निसाब जरूर पढ़ना, मगर तुमने फने शेर में क्या पूरा पढ़ा जो तारीख पढ़ोगे, लेकिन बोले आपने फने शेर भी पूरी तरीके से नहीं पढ़ा, तो ये क्या तारीख के बारे में तुम मालूम हासिल करोगे। कुर्रतुल सलमा आ गई, मेरे लिए बड़ा पुरलुत्फ तोहफा भेजा है, राइटिंग पैड है और उसे कागज पर दर्ज है, जी गम से निडाल हो न जाए यार, फिर जिस तो अबाल हो न जाए यार, सागर में नजर आने लगी है एक सूरत, जी पीना भी मुहाल हो न जाए यार। लाजवाब रुबाई है, वो कह रहे कि उर्दू और फारसी में इसके जैसी कोई दूसरी रुबाई, इतनी अच्छी रुबाई उन्हें नजर नहीं आती। इसके अंदर एक हकीक
हकीकत पसंदाना मजमून बयान किया गया है। अभी तुम्हारे लिए महीने डेढ़ महीने का इंतजार देखना है, यानी तुमको आने को अभी डेढ़ महीने का इंतजार मुझे और करना पड़ेगा। खैर यू ही सही, जब तुम आओगे तब मैं तुम्हें लिखूंगा कि क्या क्या मेरे लिए लाना, क्योंकि अभी अगर मैं आपको बताऊंगा तो आप भूल जाओगे। फक तुम्हारा वालिद अबीबुर रहमान सिद्दीकी।